गोकुल धाम पर छा चुका है कोरोना का कहर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। गोकुल धाम में कोरोना का कहर छा चुका है। किसी एक सदस्य को हो चुका है कोरोना महामारी। तो कौन है वो सदस्य, कौन से एपिसोड में आपको ये सीन देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है नीचे उसे दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, तारक मेहता का शो गोकुल धाम सोसाइटी में ही शूट होता है। इसके हर एपिसोड्स में आपको गोकुल धाम सोसाइटी देखने को मिलता है। तो दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर अभी चल रहा है लॉकडाउन, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति कैसी है ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो दोस्तों इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गोकुल धाम सोसाइटी में यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में आगे एक ऐसा एपिसोड आने वाला है जिसमें गोकुल धाम के किसी एक सदस्य को कोरोना होने वाला है, और ये सदस्य और कोई नहीं, हम सबके प्यारे दुलारे अब्दुल हैं। जी हाँ दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी के अब्दुल को होने वाला है कोरोना, और इसके बाद गोकुल धाम पर कोरोना महामारी का जो भय है वो छाने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आपको ये सारे सीन्स देखने को मिलेंगे, अब्दुल कैसे कोरोना से निकलते हैं, कैसे खुद को बचाते हैं कोरोना से, और गोकुल धाम वासी अब्दुल की कैसे सहायता करते हैं कोरोना महामारी से लड़ने में। ये सारे सीन्स आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि गोकुल धाम में होने वाला है कोरोना का वार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।